चिल्ड्रेन हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश 4.2 उनके मुंके टिम्पेटू। ओके बच्चों, ये बहुत प्यारी सी स्टोरी है। इसमें रोहन नाम का एक लड़का होता है और उसका एक मुक नाम का दोस्त होता है। बच्चों ये स्टोरी बताने से पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको बता देती हूँ कि वो अपने बर्थडे पर बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करता है अपने पेरेंट्स से। उसको क्या चाहिए रहता है बच्चों पता है? अ टेबल टेनिस सेट। ओके, तो जो उसके मम्मी डैडी एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसका फ्रेंड जो मुख है उसे कुछ एक अच्छा उपाय बताता है कि तुम ऐसा करोगे ना। वो क्या करने को बोलता है ये सब स्टोरी हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा बच्चों, ठीक है? तो तुम्हें ये मिल जाएगा। ओके चलो शुरू करते हैं। इट विल बी अ फैंटास्टिक बर्थडे दिस ईयर, आई सेड इन अ मॉकिंग टोन। इसमें रोहन अपनी सारी बातें ए टू जेड, पूरे चैप्टर में रोहन ये सारी बातें बता रहा है बच्चों। आई बासन में ये सारी बातें वो बता रहा है, कह रहा है, वो हम जो यहाँ पर आज रीड कर रहे हैं। तो रोहन ही बोल रहा है कि इस साल मेरा जो बर्थडे है बहुत फैंटास्टिक होगा। बहुत मॉकिंग टोन में कहता है, जैसे जैसे लग रहा है कि जैसे कोई मजाक में कोई बात कह दी जाए वैसे। ऑल आई विल गेट इज अ पेयर ऑफ शूज एंड अ हैंड निटेड पुल ओवर। ऑल आई विल गेट इज अ पेयर ऑफ शूज, मतलब उसको क्या है, मतलब सब लोग मुझे क्या करेंगे। ऑल आई विल गेट, देखो मैं मतलब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक मतलब शूज का पैर मिलेगा और हाथ से बुनी हुई स्वेटर मिलेगी, पुलोवर मिलेगा। ओके, आई हैड आस्क फॉर अ टेबल टेनिस सेट बट माई मदर सेट इट इज़ टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। मैंने अपने मम्मी को बोला था कि टेबल टेनिस के लिए एक टेबल टेनिस सेट के लिए मैंने बोला तो था, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भाई इस साल तो मतलब ये तो नहीं हो पाएगा, इट इज़ टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन दिस ईयर। ये साल हम मतलब तुमको नहीं दे पाएंगे, ये जो तुम कह रहे हो ये एकदम मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन ही है ये। माई फ्रेंड मुक लुक्ड एट मी थॉटफुली, मेरा दोस्त, मैंने जब ये सब बात कहा ना तो मेरा दोस्त मुझे बहुत ऐसे थॉटफुली देख रहा है, एकदम बड़े ध्यान से देख रहा है, कुछ सोचते हुए देख रहा है। ही ड्रिव अ बिट क्लोजर एंड सेट, वो थोड़ा सा मेरे नज़दीक आया और बोला, वेल रोहन आई डोंट से आई बिलीव इन इट बट माई कजिन सेट इट वर्क्स। वो क्या बोला पता है? आई डोंट से आई बिलीव, रोहन बोला है, बोला कि ही ड्रिव अ बिट क्लोजर, वो मेरे पास थोड़ा आया और बोला, वेल रोहन आई डोंट से, बोलता है कि रोहन मैं ऐसा तो मतलब नहीं कहता हूँ, मैं आई बिलीव इन इट, मैं इसमें बिलीव, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं इसमें बिलीव करता हूँ, बट माई कज़िन सेड इट वर्क्स, पर मेरे जो कज़िन है ना वो लोग कहते हैं ये काम करता है। एंड देर इज़ नो हार्म ट्राइंग, और इसको ट्राई करने में कुछ नुकसान नहीं है, डोंट यू थिंक, मतलब तुमको नहीं लगता? तो अब देखो मैंने बोला, मैंने मतलब रोहन ने बोला, क्या बोला रोहन ने, ट्राई वॉट, क्या ट्राई करना, क्या ट्राई करने को बोल रहे हो? अब रोहन को नहीं समझ में आ रहा ना ये क्या कह रहे हैं मुक, उसका दोस्त। वेल माई कजिन सेड इफ यू रियली वॉन्ट समथिंग बैडली ऑल यू हैव टू डू इज नो रन अराउंड अ बनियन ट्री एट मिडनाइट एंड चैंट 17 टाइम्स उनके मुंके टिम्पेटू। वेल मेरे कजिन ने कहा, मुक बोलता है ना कि मेरे कजिन ने कहा कि अगर तुम सच में रियली तुम्हें कोई चीज़ मतलब एकदम चाहिए ही चाहिए बैडली, मतलब एकदम हर हाल में चाहिए तुमको ना, कैसे भी करके चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बनियान ट्री को मतलब मिडनाइट में एकदम आधी रात को मतलब 12 o'clock एक बनियान ट्री बरगद के पेड़ के आसपास ऐसे मतलब अराउंड एकदम गोल गोल ऐसे तुमको घूमना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा फिर, एंड चैंट 17 टाइम्स, और तुमको 17 टाइम्स तुमको क्या बोलना होगा, उनके मुंके टिम्पेटू ये बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब जाके तुम्हारी डिज़ायर पूरी होगी। ऐसा किसने बोला, मुख ने, वो सजेस्ट करता है कि तुम शायद ऐसा करो ना तो तुमको तुम्हारा मतलब गिफ्ट मिल जाएगा। आई डेस्परेटली वॉन्टेड माई विश टू कम ट्रू, मैं तो मतलब हर हाल में चाहता था कि मेरी विश सच हो जाए, मेरी विश पूरी हो जाए, एकदम मतलब ट्रू हो जाए। स्टिल आई आस्क वाई 17 टाइम्स एंड वाई एट मिडनाइट, फिर भी मैंने मतलब पूछा, मैंने ये कौन बोल रहा है, मैं कौन है इसमें, मैं है रोहन, वो बोल रहा है कि मैंने अपने दोस्त मुख से पूछा कि 17 टाइम्स क्यों और वो भी मिडनाइट में। डोंट आस्क मी रिप्लाइड मुक, मुक ने आंसर दिया, जवाब दिया उसने,
भाई मुझसे मतलब पूछो मत, हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। देखो ये मुक जो कि इनका रोहन का बहुत बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो बोलता है कि मुझसे पूछो मत, ये सब पूछो मत मुझसे। दैट इज़ हाउ इट इज़ डन आई सपोज, ये कैसे, दैट इज़ हाउ इट इज़ डन आई सपोज, वाई नॉट ट्राई इट, दैट इज़ हाउ ये काम करता है, कैसे काम करता है। मुझे ऐसा मतलब लगता है, मैं मतलब सपोज करता हूँ कि ये काम करता है, पर कैसे करता है, वाई नॉट ट्राई इट, हम ट्राई क्यों नहीं करते, वाई नॉट ट्राई इट, क्यों नहीं ट्राई करते इसको, इट वुड नॉट डू एनी हार्म, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मुख ये सब बात बता रहा है रोहन को। आई थॉट इट वॉज ऑल नॉनसेंस, बिसाइड्स आई कुडंट थिंक ऑफ एनी बनियन ट्री इन आवर नेबरहुड, देयर इफ देयर वॉज वन इन ओल्ड मिसेस ग्रोवर्स गार्डन, बट हू डेयर टू एंटर हर गार्डन, नॉट मी एंड नॉट एट मिड नाइट। अच्छा पहले इतना देख लेते बच्चों। हाँ तो कहाँ पर थे हम लोग, हाँ आई थॉट इट वॉज ऑल नॉन सेंस, मैं सोचा कि यार ये सब तो मतलब पागलपन, एकदम मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है। बिसाइड्स आई कुडंट, इसके अलावा आई कुडंट थिंक, मैं सोच नहीं सकता था क्या, ऑफ एनी बनियन ट्री, मैं किसी भी बनियन ट्री के बारे में अपने नेबरहुड में मतलब अपने पूरे पड़ोस में, अपने जो नेबरहुड हमारा है जो जहाँ तक, उसमें कोई मतलब बनियान ट्री है भी क्या, नहीं था ना, मैं मतलब सोच ही नहीं सकता उसके बारे में। देर वॉज वन इन ओल्ड मिसेस ग्रोवर्स गार्डन, एक ही बनियान ट्री है जो कि मिसेस ग्रोवर के गार्डन में है, बट हू डेयर टू एंटर हर गार्डन, पर उनके गार्डन में किसकी हिम्मत एंट्री करने की, नॉट मी, मैं तो नहीं, एंड नॉट एट मिड नाइट, और आधी रात को। मिसिस ग्रोवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिसिस जो ग्रोवर हैं, जो इसमें जिनका नाम यहाँ पे आया है बच्चों, वो लास्ट ईयर क्या थी, प्रिंसिपल ऑफ हमारे स्कूल की, मतलब ये जो रोहन है वो बता रहे, उनके स्कूल की वो क्या थी, प्रिंसिपल रह चुकी थी। ओके, वन लुक फ्रॉम हर पर्सिंग पैल ग्रीन आईज वॉज एनफ टू साइलेंस बुलीज लाइक रिंकू लाल ऑफ क्लास 10, आई हैड सीन इट हैपन विथ माई ओन आईज। रोहन क्या बोल रहा है कि एक तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही जाने की, ठीक है, अब मिसिज ग्रोवर की बात हो रही है जो कि पिछले साल हमारी ये प्रिंसिपल रह चुकी थी, ठीक है, लास्ट ईयर वो प्रिंसिपल थी। तो वन लुक फ्रॉम हर पियर्सिंग पैल ग्रीन आईज वॉज इनफ टू साइलेंस बुलीज लाइक रिंकू लाल ऑफ क्लास 10। क्लास 10 का एक रिंकू लाल नाम का एक लड़का रहता है जो बहुत ही शरारती होता है, बुलीज मतलब बच्चों, वो जो सबको बहुत डराता है, सबको परेशान करता है, ऐसे बच्चे जो सबको डराते हैं परेशान करते हैं, ठीक है। तो क्लास 10 में जो रिंकू लाल है बहुत ऐसा ही लड़का था, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो ये टीचर है ना, बहुत उनकी मतलब डरावनी आंखें हैं, वो डरावनी आंखें जब एक बार किसी को देख दे तो रिंकू लाल जैसा बच्चा भी मतलब एकदम चुप हो जाता है, एकदम साइलेंट, एकदम डर जाता है, तो मतलब इतनी डरावनी है तो मैं कैसे जाऊंगा उनके गार्डन में। ओके, आई हैड सीन इट हैपन विथ माई ओन आईज, अरे मैंने तो खुद अपनी आँखों से देखा ये, मतलब ये देखा है अपने आँखों से कि एक बार टीचर ने उसको देखा रिंकू लाल को और वो डर गया, एकदम चुप हो गया। फॉरगेट इट आई सेड, हाउएवर द थॉट कैप्ट हंटिंग मी टिल द डे बिफोर माई बर्थडे एंड आई जस्ट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, भूल जाओ इसे, मैंने कहा, मतलब ये कौन बोल रहा है, वो रोहन, कि भूल जाओ इसे। ओके, मतलब ये सभी बात भूल जाओ, जो मुक ने जो बातें बोली थी ना वहाँ जाने के लिए ट्री के नीचे ऐसे गोल गोल घूमने के लिए, वो बातें हॉन्टिंग मतलब मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी बार बार आ रही थी, ठीक है। मेरे बर्थडे के पहले तक जितने दिन थे ना, तब तक मुझे इतना परेशान कर डाला था ये बात, मतलब मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे मेरे गिफ्ट मिलेगी। ओके, आई जस्ट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था, मुझे मतलब ये बातें इतना मतलब मुझे बार बार मेरे पास आ रही थी बातें, मेरे दिमाग को खाए जा रही थी कि मतलब मुझे वहाँ पे जाना ही चाहिए, ठीक है। पहले तो उसने मना कर दिया रोहन ने, लेकिन अभी उसको जाने का मन कर रहा है। ओके, आई सेड टू मुक इफ़ यू कम अलोंग, ओके आई सेड टू मुक इफ़ यू कम अलोंग विथ मी आई विल गो टू मिसेज
ड्रोवर्स गार्डन टू नाइट एंड डू इट. ओके आई सेड टू मुक, मैंने मुक को बोल दिया ठीक है इफ यू कम अलोंग विथ मी आई विल गो टू मिसेज ग्रोवर्स गार्डन टू नाइट एंड डू इट. तो मेरे साथ अगर चलोगे तो मैं मिसेज ग्रोवर्स के गार्डन में रात को चलूंगा, लेकिन भाई तुम मेरे साथ चलोगे तो ठीक है. इफ़ यू कम अलॉन्ग विथ मी, तुम मेरे साथ चलोगे ना तो मैं चलूंगा गार्डन में. इतनी रात को ऐसे अकेले कौन जाएगा. वाई शुड आई कम अलॉन्ग आस्क मुक, आई हैव नो सीक्रेट विश, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, मेरा तो कोई सीक्रेट विश नहीं है. विश तो तुम्हें मांगनी है ना भाई, मेरा तो विश है ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ. कौन बोला, मुक ने बोला. कम ऑन लेट्स गो एंड विश फॉर माई टेबल टेनिस सेट. सो एट 10 minutes to 12 मुक एंड आई मेट एट द बैक ऑफ ओल्ड मिसेज ग्रोवर्स गार्डन. तो मैंने बोला, मतलब रोहन ने बोला कि कम ऑन यार चलो मेरे साथ, मेरे लिए तुम इतना करो, मतलब टेबल टेनिस के लिए मेरे लिए विश करो, तुम भी विश करो मेरे लिए. तो इसलिए 10 minutes to 12 मतलब 10 minutes थे 12 बजने में, मतलब 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे. तो मुक और मैं, मतलब रोहन, ओके मुक और रोहन चले जाते हैं कहाँ पे, एट द बैक ऑफ ओल्ड मिसेज ग्रोवर्स गार्डन. मिसेज ग्रोवर का जो गार्डन है ना उसके पीछे वो लोग गए. ओके वी क्लाइंब्ड एंड सेट ऑन द बाउंड्री वॉल, वी लुक डाउन इनटू द गार्डन विच ले डार्क एंड साइलेंट इन द डिम लाइट ऑफ द मून एंड देयर वाज अ बनियन ट्री. पहले यहाँ तक हम देख लेते हैं. हम लोग जो है ना बाउंड्री वॉल जो चारों तरफ से घेरते जो फेंस होता है उस पर हम लोग मतलब चढ़े. वी लुक डाउन, हम मतलब नीचे देखे, गार्डन के नीचे देखे तो क्या था नीचे, विच ले डार्क एंड साइलेंट इन द डिम लाइट ऑफ द मून. मतलब चांदनी रात थी ना तो हल्का हल्का जो मून का लाइट आ रहा था और बाकी एकदम अंधेरा था. ठीक है एकदम डिम, एकदम अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा सब कुछ. एंड देयर वॉज क्या हुआ फिर, अ बनियन ट्री, वहाँ पर एक बनियन ट्री था. इट्स एरियल रूट्स, बच्चे एरियल रूट्स मतलब देखो जो बरगद का पेड़ होता है ना, जो बनियन ट्री होती है उसमें रूट ऐसे सब नीचे लटके हुए रहते हैं तो ऐसे हवा में मतलब घूमते रहते हैं. ठीक है उसको एरियल रूट्स बोलते हैं. स्वेइंग, स्वेइंग क्या कर रहा था, हिल रहा था दूर दूर तक. ठीक है स्वेइंग इट सॉरी इन द जेंटल ब्रीज ऑफ द नाइट वी जंप डाउन रीच्ड द ट्री एंड लुक्ड अराउंड केयरफुली. तो क्या होता है इसके बाद, देखिए स्वेइंग मतलब हिलना. ठीक है ध्यान देना. हाँ तो कहाँ पर थे हम लोग, हाँ स्विंग इन द जेंटल ब्रिज. हाँ रात को जो है ना ठंडी हवा, ब्रिज मतलब ठंडा. ठीक है धीरे धीरे ठंडी हवा चल रही थी, वो रूट्स ऐसे हिल रही थी हवा में. वी जंप डाउन रेज द ट्री एंड लुक्ड अराउंड केयरफुली, हम लोग नीचे कूद गए. ओके अब पेड़ के पास पहुँच गए और लुक्ड अराउंड केयरफुली, चारों तरफ एकदम ध्यान से देखा, कोई देख तो नहीं रहा है. आई बात समझ में, एकदम रात को कितना सोच के भी डर लग रहा है. Imagine if she is awake, I whispered and pointed at Mrs. Grover's house. रोहन ने क्या किया पता है, रोहन ने मिसेस ग्रोवर के हाथ घर पे पॉइंट आउट करते हुए ऐसे उंगली ऐसे करके दिखाते हुए बोला, इमेजिन करो, सोचो अगर वो जाग गई तो क्या होगा हम सबका, अगर वो मैम जाग जाएंगी तो क्या होगा. Nobody is awake at this ghostly hour of the night, hissed Mook. Now get going, run. तो पता है क्या होता है बच्चों, ये कौन मुक क्या बोलता है, मुक ना एकदम जैसे धीरे धीरे बोलता है, एकदम साए साए जिसको बोलते हैं ना, धीरे धीरे बोलता है कि कोई नहीं जागेगा, ये भूतिया रात है, एकदम भूतिया टाइम है, इतनी ऐसी अंधेरी रात में कौन जागेगा, चलो दौड़ो भागो तुम, मतलब चक्कर लगाओ जो तुमको जिस काम से आए थे. I ran as fast as I could, chanting उनके मुँह के टिम्पेटू, उनके मुँह के टिम्पेटू. ओके अच्छा आगे भी है, आई विश माई विश इज कमिंग ट्रू. उसने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे रोहन बोल रहा है मैं दौड़ा, मैं इतना तेज दौड़ा जितना तेज मैं दौड़ सकता था, फिर मैंने चैंटिंग करना चालू किया. चैंटिंग करना मतलब जैसे जाप करना, जैसे हम किसी मंत्र का जाप करते हैं बार बार, जैसे कोई पर्टिकुलर मंत्र होता है तो जैसे कोई 108 बार उसका जाप करता है, अलग अलग सबका मतलब कैसे भी आप जाप करते हो ना वो मंत्र, तो यहाँ पर एक मंत्र के जैसा एक क्या है यहाँ पे, उनके मुँह के टिम्पेटू आई विश माई विश इज़ कमिंग ट्रू. बार बार यही बोलना था, उनके मुँह के टिम्पेटू आई विश माई विश इज़ कमिंग ट्रू, उनके मुँह के टिम्पेटू आई विश माई विश इज़ कमिंग ट्रू, यही बार बार उसको बोलना था. तो रोहन बोल रहा है कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट चक्कर लगाया, ये बोलना चालू किया ओवर एंड ओवर अगेन, बार 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 बार. ठीक है आई फेल्ट अ बिट स्कैर्ड, मुझे थोड़ा सा डर लगा.
ठीक है, दैट वॉज वाई आई ट्राई टू गेट इट ओवर क्विकली एंड इंक्रीज माई स्पीड, इसलिए मैंने एकदम से मतलब अपना स्पीड बढ़ा दिया, मैंने ट्राई किया क्या कि बहुत जल्दी 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 ये सब काम हो जाए, मैंने स्पीड बढ़ा दिया। आई इंक्रीज द चैंटिंग टू, मैंने अपना चैंटिंग भी बढ़ा दिया मतलब और फास्ट कर दिया, जल्दी जल्दी मैं मतलब बोले जा रहा था। एंड ऑल द व्हाइल आई वेंट टू लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द नाइट, अ क्रैकल हियर, अ स्विश हियर, शुज देयर। जैसे देखो बच्चों, अब जो कि वो गार्डन में था, गार्डन में कुछ सूखे सूखे पत्ते, उस पर आप पैर रखोगे कहीं पर सब पत्ते गिरे रहते हैं तो कैसा खड़खड़ खड़ की आवाज़ आती है, कुछ ऐसा पत्ते क्रैक हो जाते हैं तो अलग अलग टाइप की आवाज़ आती है। स्विश मतलब जैसे कैसी भी हर टाइप की अलग टाइप की आवाज़ें वहाँ पर आ रही थी, हवा से सब आवाज़ें आ रही थी, उसमें दौड़ रहा तो अलग अलग टाइप की आवाज़ें आ रही थी। ठीक है, कभी कोई लकड़ी दब जा रहा है पैर से, कभी कोई पत्ते दब जा रहे हैं, तो जो चीज़ उसके पैर से दब रहा है तो अलग अलग टाइप की आवाज़ आ रही थी। सडनली अ फेरोशियस बार्क टोर्ड दिस स्टिलनेस ऑफ द नाइट, फेरोशियस बच्चों भयंकर, ओके, और स्टिलनेस मतलब शांति, सन्नाटा जो था ना वो टूट गया। कैसे? एक भौंक, मतलब जो डॉगी भौंकता है ना, बार्किंग करता है ना, अचानक से भयानक भौंक, जोर जोर से एक मतलब बार्किंग की आवाज़ आई और रात के सन्नाटे को तोड़ दिया, मतलब सन्नाटा ख़त्म हो गया, कुत्ते की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी। आई फ्रोज, मैं एकदम जम गया। बच्चों फ्रीज का सेकंड फॉर्म फ्रोज है, मतलब डर के मारे एकदम कांप गया, ऐसा है। ठीक है, इनसाइड मिसेस ग्रोवर्स हाउस लाइट्स फ्लैश्ड ऑन एंड द बैक डोर वॉज पुश्ड ओपन। देखो, मिसेस ग्रोवर्स के घर के अंदर की लाइट जल गई थी, ओके, और बैक डोर पुश कर दिया गया था, पीछे का दरवाज़ा ऐसे मतलब खोल दिया गया था। हु इज़ देयर, कॉल मिसेस ग्रोवर, मिसेस ग्रोवर ने मतलब आवाज़ दिया, कौन है वहाँ पे, कौन है, आंसर और आई विल सेंड द डॉग एट यू, जवाब दो नहीं तो अभी मैं अपना डॉग छोड़ूंगी। क्या बोल रही है मिसेस ग्रोवर पता है? उन्होंने बोला, भाई कौन है वहाँ पे, जल्दी बोलो, मैं तो अभी मैं क्या करूँगी, अपना डॉग खोल दूँगी तुम्हारे ऊपर। डॉग वो बांध के रखी थी, अगर खोल देती तो काट लेता ना। तो देखो अब क्या होता है, मुक मुक आई मम्बल्ड, ठीक है, अब ये कौन बोल रहा है, मम्बल्ड मतलब बैठ गया, ठीक है, मुक मुक आई मम्बल्ड से समथिंग बट मुक वॉज क्लाइंबिंग अप द ट्री। मैं ना मतलब रोहन मुक मुक बोल के मैं बैठ गया, ओके, कुछ बोलो ना, कुछ बोलो, पर मुक क्या किया, मुक भी तो डर रहा था, वो पेड़ पे चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। व्हेन आई सॉ, डर रहा था ना, मैं डॉगी छूट गया तो मुझे काट लेगा तो मैं क्या करूँगा, वो झट से पेड़ पे चढ़ गया। व्हेन आई सॉ मिसेस ग्रोवर बेंट डाउन टू अनलैश द डॉग, जब मैंने देखा कि मिसेस ग्रोवर नीचे झुकी अपने डॉग को खोलने के लिए, अनलैश मतलब ऐसे खोलने के लिए, कहीं बांधा गया था तो उसको खोलने के लिए ऐसे झुकी, तो आई प्लीडेड, मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ डोंट सेंड द डॉग एट अस, प्लीज़ डॉग हमारे पर मत छोड़ो, प्लीज़ डॉग को मत भेजो हमारे लिए। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इफ़ यू लेट मी, अगर आप मुझे बोलने दोगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, रोहन ने ऐसा बोला, अब उसकी जान खतरे में थी ना एकदम। स्पीक, हाँ तो उन्होंने क्या बोला, मिसेस ग्रोवर ने बोला, चिल्ला के जोर से बोला, स्पीक आउट सून, जल्दी बोलो। I told her everything I feared. She might not believe me, but she listened to me without interruption. मैंने उनसे सब कुछ कह दिया, मैं डर गया था कि वो मेरी बात का बिलीव करेंगे भी या नहीं, पर उन्होंने बिना कुछ इंटरप्शन के सारी बात मेरी उन्होंने सुन ली। और पता है क्या हुआ, She just looked at me with the hard light green eyes of hers as if she was trying to see right into my heart. वो जस्ट वो क्या की, वो मेरी तरफ एकदम मतलब ना उन्होंने मेरी तरफ देखा, ठीक है, एकदम अपनी ऐसे उनकी जो लाइट ग्रीन आइज, कहीं कहीं पे पैल आइज ऐसे है, जब गुस्से में आएंगे तो पैल आइज, ओके, लाइट ग्रीन आइज मतलब थोड़ा थोड़ा उनको लग रहा था नहीं कुछ सब ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन आइज इसमें बोला गया है। ठीक है, तो देखा मुझे इस तरह से उन्होंने, और इफ़ शी वॉज ट्राइंग टू, ऐसा लग रहा था कि वो क्या करना चाहती हैं, मेरे हार्ट में एकदम मतलब झांकना चाहती हैं, मेरे हार्ट को मतलब समझना चाहती हैं कि मतलब मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब उनको लगा कि मैं सही बोल रहा हूँ।
सो शी आस्क फाइनली, इसलिए उन्होंने अंत में पूछा क्या, एंड यू बिलीव इन उनके मुंके टिम्पेटू, तुम बिलीव करते हो उनके मुंके टिम्पेटू में, डू यू थिंक इट विल हेल्प, क्या तुम्हें लगता है ये हेल्प करेगा तुम्हारा। आई ड्रॉप माई हेड एंड सेट सॉफ्टली आई होप इट विल, मैं अपना सर ऐसे नीचे किया, ड्रॉप मतलब ऐसे झुका दिया, ऐसे नीचे किया और एकदम सॉफ्टली धीरे से बोला, हाँ उम्मीद करता हूँ कि ये काम करेगा। ओके ऐसा मैंने बोला, ऐसा मैं कौन, रोहन ने बोला। ओके वेल शी रिटर्न इफ यू बिलीव सो गो एंड फिनिश योर राउंड्स, ठीक है उन्होंने बोला, ठीक है जाओ वापस जाओ, अगर तुम बिलीव करते हो तो जाओ भाई अपना राउंड फिनिश करो ना। शी टर्न सेइंग एंड व्हाइल लिविंग वुड यू माइंड यूजिंग द फ्रंट गेट, अब वो जब जाने लगी ना वो टर्न हो गई और उन्होंने जब वो जाने लगी तो उन्होंने बोला कि क्या तुम मेरा फ्रंट गेट यूज़ करना चाहोगे, मतलब जाना तो मेरा फ्रंट गेट यूज़ करना भाई, ये फेंस पे चढ़ के इतना रिस्क मत लेना, उसके ऊपर चढ़ के ऐसे कूदना मत, ऐसा जंप मत करना, तुम अभी मेरे फ्रंट गेट से तुम जा सकते हो। उनके कहने मतलब ये था कि क्या तुम मेरा फ्रंट गेट यूज़ करोगे जाने के टाइम पे, ऐसा उन्होंने बोला। ओके एंड इट फिनिश द रिमेनिंग 6 राउंड एंड लेफ्ट हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट, उसने काफ़ी पूरा कर लिया था, 17 बार तो उसको बोलना था, 17 राउंड लगाना था जिसमें से उसके 6 राउंड्स बच गए थे। ओके तो वो अब वहाँ पे पूरा किया, तो क्या हुआ, हाँ हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट, ओके आई लेफ्ट, हाँ आई डिड फिनिश द रिमेनिंग 6 राउंड्स एंड लेफ्ट हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट, मैंने 6 राउंड जो बचा था रह गया था वो मैंने पूरा की और उनका गार्डन का फ्रंट गेट यूज़ किया, मतलब हम लोग फ्रंट गेट से ही निकले। आई स्वोर दैट आई वुड नेवर रिटर्न, बट बच्चों जो स्वोर है, स्वेर का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है जिसका मतलब कसम खाना होता है, तो मैंने कसम खाई कि मैं यहाँ वापस अब कभी नहीं आऊँगा, मतलब इतना खतरनाक काम जो है मैं ऐसा नहीं करूँगा लाइफ में, ठीक है मैंने कसम खाई। एंड देन द ग्रेट मोमेंट केम, तब एक बहुत प्यारा सा मोमेंट आया, आई ओपन माई गिफ्ट रिचुआइज्ड ओवर माई न्यू पेयर ऑफ शूज एंड द हैंड निटेड पुलोवर एंड देन माई आईज फेल ऑन अ पार्सल, अ बिग पार्सल। देखो बच्चों, हाँ तो एक अच्छा मोमेंट आया, मैंने क्या देखा, आई ओपन मैं मैंने अपना गिफ्ट खोला, बहुत मैं खुश हुआ था, मुझे पेयर ऑफ शूज़ मिला था, मतलब शूज़ मिला था और हैंड निटेड हाथ से बुनी हुई स्वेटर मिली थी। तभी पता है क्या हुआ, मेरी नज़र पड़ी एक बड़ी सी पार्सल पे, जो बहुत बड़ा पार्सल था, आई हैड नेवर रिसीव सच ए बिग पार्सल अर्लियर, भाई इतने अब तक तो मुझे इतना बड़ा पार्सल कभी मिला ही नहीं था। टू रोहन खन्ना आई रेड, मैंने पढ़ा उस पर क्या लिखा था पता है, टू रोहन खन्ना, मतलब रोहन खन्ना के लिए, फ्रॉम किससे, कौन दिया था, उनके मुंह के टिम्पेटू, ऐसा मैंने उस पर पढ़ा, ये लिखा हुआ था। आई स्टार्टेड एट मुक, मैं मतलब यहाँ पर स्टार्टेड एट मुक का मतलब है बच्चों कि मैं मुक की तरफ देखने लगा, मैं मुक के मतलब मेरा मतलब ये था कि शायद ऐसा मुक ने किया है, ठीक है क्योंकि उनके मुंह के टिम्पेटू के बारे में तो मुक ही जानता था। ओके मुक और बाद में वो टीचर जान गई थी। And he looked as surprised as I was. वो भी ऐसे ही surprised होकर देख रहा था जैसे कि मैं। My mother asked, मेरी मम्मी ने पूछा, Who is उनके मुंके टिम्पेटू, ये उनके मुंके टिम्पेटू कौन है, मतलब ये कौन नया फ्रेंड है भाई, इतना बड़ा गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए, दिख नहीं रहा है वो आदमी। Isn't that an unusual name, या क्या ये कोई मतलब कितना कॉमन नाम तो है नहीं, कितना अनकॉमन ये अनयूजअल नाम दिख रहा है, ऐसा कोई नाम तो रखता नहीं है। Yes, I said, रोहन ने बोला, हाँ वेरी अनयूजअल इंडीड, आई बस उनमें वास्तव में बहुत अनयूजअल नाम है ये तो। आई बेंट ओवर द पार्सल एंड बिगेन टू अनपैक इट, मैं झुका अपने पार्सल को खोलने के लिए। ओके एंड खोलना शुरू कर दिया। आई रिमूव द स्ट्रिंग, मतलब धागे जो उसके जो सब थे थ्रेड, ओके मैंने उसको रिमूव कर दिया जिससे बांधा गया था ना, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। एंड द पेपर इम्पेशेंटली, और पेपर भी एकदम इम्पेशेंटली, मतलब कि कब जल्दी से पेपर भी हट जाए, मैं खोल के देखूँ इसमें क्या है, पेशेंस में खो रहा था मेरे, इतनी मतलब उतावलापन हो गया था सब। फाइनली आई रिमूव द कलरफुल गिफ्ट रैपिंग एंड फाउंड अ टेबल टेनिस सेट, इट वॉज नॉट अ ब्रांड न्यू टेबल टेनिस सेट बट इट वॉज अ फेबुलस वन, वाव आई व्हिस्पर्ड जस्ट वाव। देखो बच्चों, फाइनली अंत में क्या हुआ, मैंने रिमूव किया कलरफुल गिफ्ट भी
कलरफुल ग्रिप से वो जो गिफ्ट था ना वो कलरफुल पेपर से रैप किया गया था, पूरा चिपकाया हुआ था। उसे मैंने हटाया और मैंने पाया क्या, टेबल टेनिस सेट जो कि ब्रांड न्यू, मतलब बच्चों एकदम नया तो नहीं था वो टेबल टेनिस जो है, एकदम नया तो नहीं था लेकिन बहुत ही फेबलस था, बहुत मतलब आप कैसे कह सकते हो, बहुत ही अमेजिंग था वो, बहुत प्यारा था एवसन में। हाँ तो हम कहाँ थे, तो मैंने क्या बोला उसको देख के, बट इट वॉज फेब, हाँ वाओ, आई विस्पर्ड जस्ट वाओ। मैंने उसको खोला ना तो मैंने बस यही बोला वाओ, जस्ट वाओ, मैंने बस वाओ के अलावा कुछ बोला ही नहीं, बस वाओ वाओ मैं करता ही रह गया। आई बात समझ में, चलो देखते हैं। हाँ, टिल टुडे मुक स्वेयर्स ही वॉज नथिंग टू डू विथ इट, आज तक मुक ने कसम, मतलब आज तक मुक यही कसम खाता है कि मैंने नहीं कुछ किया, मतलब ये सब गिफ्ट लाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने तो कुछ किया नहीं। एंड सो डू माई पेरेंट्स, ऐसा ही मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, भाई मैंने भी कुछ नहीं किया, ये आया कहाँ से। ओके, आई वंडर्ड इफ ओल्ड मिसेस ग्रोवर वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सरप्राइज, तो मैं सोचा कि ये मिसेस ग्रोवर हो सकता है कि ये सरप्राइज जो है मेरे लिए, ये मिसेस ग्रोवर ही रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये मिसेस ग्रोवर का ही काम हो सकता है, क्योंकि ये बस मुक जानता था, मैं जानता था और मिसेस ग्रोवर को पता था, बाकी तो कोई जानता नहीं था, तो हो सकता है मिसेस ग्रोवर का ही काम हो ये। आई वॉन्डर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक मैं ये सोचा, हमेशा सोचता रहा। वन डे आई गैदर अप ऑल द करेज आई पजस्ड एंड वेंट टू मीट मिसेस ग्रोवर, एक दिन क्या हुआ मैंने बहुत पॉजिस, मतलब बच्चों मतलब प्राप्त करना। ओके चलो देखते हैं, मैंने क्या किया एक दिन, मैंने गैदर किया, इकट्ठा किया, गैदर मतलब इकट्ठा किया, क्या किया, क्या इकट्ठा किया, करेज, हिम्मत, ठीक है, पूरा हिम्मत मैंने इकट्ठा किया एंड आई पॉजिस्ड, मैंने पा लिया क्या, वो इकट्ठा किया करेज और पॉजिस्ड, मतलब मैंने करेज मेरे अंदर आ गई और मैं गया to meet Mrs. Grover, Mrs. Grover से मिलने गया। I used the front gate and rang the bell, मैं सामने वाला गेट उनका यूज़ किया और बेल को बजाया। I had gone over my lines 100 times, but when she looked down on me with her pale green eyes, I felt my heart sink and my courage vanish and all I could, ये बहुत लंबा हो गया, पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। मैं आई हैड गॉन, मैं गया, ओके पहुंच गया, पर क्या किया पता है, उसने एक लाइन तैयार की थी कि मुझे क्या क्या बोलना है, ठीक है, उस लाइन को वो 100 times वो ऐसा बार बार जैसे लर्न कर रहा था कि मुझे ये बात बोलनी है उनसे, ठीक है, मतलब बहुत भयानक लगती थी ना, सारे बच्चों को डरा देती थी, सारे बच्चे उनसे बहुत डरते थे, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी। देखो तो बच्चों आप लोग भी बहुत कुछ स्ट्रिक्ट टीचर से बहुत डरते ही होंगे, कुछ टीचर ऐसी होती हैं बच्चे एकदम अपने मॉम के जैसे एकदम बहुत क्लोज हो जाते हैं, पर कुछ टीचर बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो हमें बहुत डर लगता है। हमारे भी लाइफ में एक टीचर थे ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट, आई बात समझ में, तो सुनो फिर यहाँ पर क्या है। और हाँ बच्चों एक बात कहूँ, आप लोग को जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम भी बताओ, ठीक है, नाम नहीं बताना है तो आप बस बता दो वो किस सब्जेक्ट के टीचर हैं। ओके चिल्ड्रन, हाँ तो कंटिन्यू करते हैं। आई हैड गॉन ओवर माई, हाँ तो मैंने 100 times वो लाइन को बार बार में बोलता गया कि मुझे यही बोलना है। बट वैन शी लुक, लेकिन जब उन्होंने देखा डाउन ऑन मी, मेरी तरफ ऐसे देखा नीचे, ठीक है, तो क्या हुआ, विथ हर पैल ग्रीन आइज, अपने पीली हरी आंखों से, मतलब उनकी आंखें भी उसको बड़ी अजीब लगती थी बच्चों को, ठीक है, बहुत डरावनी लगती थी, इसलिए पैल ग्रीन आइज बोला जा रहा है बार बार, तो अपने आंखों ऐसे आंखों से देखा, तो मैं क्या हुआ मेरे साथ, मेरा तो दिल बैठ गया। सिंक मतलब बच्चों ऐसे डूबना होता है, लेकिन यहाँ पर डूबने का कोई काम नहीं है, यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि मेरा दिल बैठ गया, देखा है ना, आई फेल्ट माई हार्ट सिंक, ऐसा लगा मेरा दिल एकदम बैठ गया। एंड माई करेज वैनिश, जो मैंने करेज इतना इकट्ठा किया था ना, हिम्मत, वो तो जैसे गायब ही हो गया, वैनिश मतलब एकदम गायब, डिसअपीयर्ड। एंड ऑल आई कुड डू वाज स्टटर लाइक एन इडियट, और सब कुछ जो मैंने लर्न किया था बोलने के लिए, वो सब जब एक इडियट की तरह मैं एकदम हकलाना चालू कर दिया। आई बात समझ में, एकदम स्टटर मतलब बच्चों हकलाना, जैसे रुक रुक के बोलना, घबरा के बोलना, ऐसा। तो कैसे वो बोला आइए देख लेते हैं। गुड आफ्टरनून मैडम, डिड यू हैव यू सॉरी बट
डू यू बिलीव इन उनके मुख्य टिम्पेटू? इतना ऐसे बोला वो ऐसा रुक रुक के आई भाषण में मिसेस ग्रोवर कंटिन्यूड। अच्छा हम इसका मतलब समझ लें पहले। मैडम, पहले वो बोला गुड आफ्टरनून मैडम, क्या आप, मेरा मतलब डिड यू हैव यू आपके पास, सॉरी लेकिन आप बिलीव करते हो उनके मुंके टिम्पेटू में? ठीक है, ऐसा रुक रुक के बोला, डर रहा था ना वो। मिसेस ग्रोवर कंटिन्यूड टू लुक एट मी विद अ स्ट्रेंज लुक इन हर आइज। अपनी अजीब सी आंखों से मिसेस ग्रोवर मुझे कंटिन्यू देखे जा रही थी। शी रिप्लाइड सॉफ्टली बट सीरियसली, यस आई डू बिलीव इन उनके मुंके टिम्पेटू। वो बहुत ही, मतलब उन्होंने रिप्लाई तो किया बड़ी सॉफ्टली, पर बहुत सीरियस होकर उन्होंने बोला हाँ, मतलब ऐसा मजाक नहीं, उन्होंने बोला हाँ मैं बिलीव करती हूँ उनके मुंके टिम्पेटू में। आई हैड विश टू हैव समबडी ओवर फॉर टी टुडे एंड हियर यू आर नाउ, इजंट इट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ उनके मुंके टिम्पेटू? वो उन्होंने क्या बोला पता है, उन्होंने बोला हाँ भाई मैं तो बिलीव करती हूँ, मैंने आज तो बस के मैंने तो चक्कर नहीं लगाया, मैंने तो बस के विश किया कि आज चाय पर कोई आ जाए मेरे साथ चाय पीने के लिए, तो लो तुम आ गए, तुम आ गए, तो इसका मतलब इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल मैं दूँ उनके मुंके के बारे में, ये जो ट्री है बनियान ट्री, ये उनके मुंके टिम्पेटू के मैं बिलीव करती हूँ भाई, इसके लिए तो मैंने बस के हल्का सा सोचा कि कोई आए मेरे साथ चाय पिए और तुम आ गए, इससे अच्छा आप कौन सा एग्जाम्पल दो, इतना परफेक्ट एग्जाम्पल। शी स्माइल एंड शी लुक सो डिफरेंट ऑलमोस्ट ह्यूमन। उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने शी लुक सो डिफरेंट, उन्होंने अब जो ना एकदम डिफरेंट तरीके से देखा वो, उन्होंने मतलब अभी जैसे एज ए ह्यूमन, ऐसे ऑलमोस्ट ह्यूमन, यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया बच्चों, मतलब अब ऐसा अभी कोई देखो जिससे आपको डर लगता है तो आपको भयंकर एक शैतान एक एकदम कैसा आपको लगता है ना, जैसे कोई राक्षस हो, अरे बाप रे ये तो खा जाएगा, बहुत डर लग रहा है, मारेगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। लेकिन आज वो टीचर ने बहुत एकदम अलग तरीके से देखा उन्होंने ऑलमोस्ट ह्यूमन, मतलब एकदम ऐसे लगा कि वो अब इंसान है, मतलब इंसानों की तरह उन्होंने देखा, मतलब उनका देखना अब रोहन को बहुत अच्छा लग रहा था। आई बात समझ में? फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद से मुक एंड मैं, ओके मुक एंड आई वेंट टू सी ओल्ड मिसेस ग्रोवर क्वाइट ऑफ्टन। मैं और मुक जो है ना अक्सर, क्वाइट ऑफ्टन मतलब बच्चों अक्सर मिसेस ग्रोवर से मिलने के लिए जाते थे। ओके नॉट ओनली बिकॉज शी मेट द बेस्ट एंड हैड द बेस्ट कुकीज, हम इसलिए नहीं जाते थे कि वो बहुत अच्छा चाय और बहुत अच्छी कुकीज़ बनाती हैं, नो वी वेंट बिकॉज वी लाइक्ड हर, नहीं हम तो जाते थे किस लिए, क्योंकि हम उनको पसंद करते थे, मतलब वो बहुत अच्छी मिस थी हमारी, बहुत अच्छी टीचर थी जिसको हम लोग इतना भयंकर इतना भयानक सोच रहे थे, वो तो बहुत अच्छी टीचर थी इसलिए हम लोग उनको अब लाइक करने लगे थे। ओके एंड देन वी हैड वन थिंग इन कॉमन, और हम सब में वी एंड देन वी हैड वन थिंग इन कॉमन, हम सब में एक चीज़ कॉमन थी। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है, देखो मुक और रोहन और वो मैम जो थी मिसेस ग्रोवर, इन तीनों लोग को में एक चीज़ कॉमन थी, वो चीज़ क्या थी बच्चों, वी ऑल बिलीव्ड इन उनके मुंके टिम्पेटू, हम तीनों लोग क्या करते थे उनके मुंके टिम्पेटू में बिलीव करते थे, यही चीज़ यही बात जो है ना हम तीनों में कॉमन थी। आई होप बच्चों आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके चिल्ड्रेन एक बात कहना है आपसे, आप प्लीज़ अभी वीडियो बंद मत करना, हमारे एक और चैनल है CBSE करके, ओके उस पर सबके सर इंग्लिश के ये लेक्चर रहते हैं, आप उस पर जा सकते हो। ओके बाय बाय, थैंक यू।